देवगांव कोतवाली के अंतर्गत वाराणसी आजमगढ़ राजमार्ग पर स्थित जमीन बघरमा इलाके में बाइक सवार दो बदमाशों ने दिन दहाड़े गोली चलाकर लाखों रुपए लूटकर फरार हो गए। जानकारी के अनुसार अच्छेलाल पुत्र सीताराम के घर का कार्य चल रहा था, इसके लिए अपनी माता चमेली देवी के साथ लालगंज के स्टेट बैंक की शाखा से 2 लाख रुपए लेकर घर आ रहा था। पहले से घात लगाए बदमाशों ने उसका पीछा कर घर के समीप अच्छेलाल के ऊपर कई राउंड फायर कर एक बदमाश से उससे पैसे छीन वाराणसी की तरफ फरार हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने फौरन डायल 112 को घटना की जानकारी दी। अच्छेलाल के बगल से गोली निकल जाने से उसकी जान बच गई। मौके पर 3 दागी हुई गोली बरामद हुई। डायल 112 घटनास्थल पर आधे घंटे के बाद पहुंची। साथी अच्छेलाल ने तुरंत देवगांव कोतवाली में घटना की जानकारी दी। देवगांव कोतवाली बिमलेश कुमार मौर्य और सीओ लालगंज ने घटनास्थल पर जाकर जायजा लिया। खबर लिखे जाने तक बदमाशों की कोई खबर नहीं मिली। देवगांव लालगंज से आज की चाल के रिपोर्टर मोहम्मद फरहान खान की रिपोर्ट। हाँ। क्या था लड़के का नाम? लड़के का नाम क्या था? अच्छेलाल। अच्छेलाल। हाँ। उनके पिताजी का नाम? सीताराम। आपका क्या नाम है? स्वर्गीय चमेली। चमेली। हाँ। दिखा दे चाची। आप कहाँ से आ रही थी? बैंक से आ रही थी? बैंक से आवत रही थी। तो किराया देती। 2 लाख रुपए आपने निकाला था वहाँ से? हाँ, 2 लाख निकला। कितनी गोली चली है? 3 थे, 2 समय चला, 1 समय चला। पैसा लेके भाग गए? कोई घायल तो नहीं हुआ घटना में? घायल तो नहीं हुआ। गोली चलाने वाले कितने लोग थे? कितने लोग थे? 3 लोग थे। बाइक पे थे? बाइक से। किस तरफ से आए थे? इधर लालगंज की तरफ से जो आते हैं। और भागे किधर को है? बनारस की तरफ को भागे।